मैंने देखी बर्लिन सीरीज जो कि डायरेक्ट स्पेन से आने वाली न्यूएस्ट और मोस्ट एंटिसिपेटेड नेटफ्लिक्स शो है और ये बहुत पॉपुलर सीरीज मनी हिस्ट का स्पिन ऑफ है जिसे इसकी ओरिजिनल स्पेनिश भाषा में लकासा डे पेबल के रूप में भी जाना जाता है। लकासा डे पेबल बर्लिन का सीजन 1 मनी हिस्ट की घटनाओं से कुछ साल पहले सेट है और फोकस करता है मनी हिस्ट के पॉपुलर कैरेक्टर आंद्रेस पे जिसे बर्लिन के नाम से भी जाना जाता है। खैर ये 8 एपिसोड की सीरीज कैसी है, आपको इसे देखना चाहिए कि नहीं, क्या ये सीरीज अपनी ओरिजिनल सीरीज के स्केल को मैच कर पाई कि नहीं, हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या बर्लिन मनी हिस्ट से अच्छी है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बर्लिन सीरीज मनी हिस्ट के स्केल को बिल्कुल मैच नहीं कर पाई, इनफैक्ट मनी हिस्ट पॉपुलर हुई, लोगों के नजर में आई अपनी अलग स्टोरी लाइन की वजह से, एक इम्पॉसिबल चोरी, ऊपर से उसमें एक्शन, मिस्ट्री, थ्रिल, लोगों को ये बहुत पसंद आया। लेकिन बर्लिन में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। मोर और लेस बर्लिन सीरीज का मेन थीम जो है वो लव है, जिसे बर्लिन के तरीके से दिखाया गया है, जिसमें ऑब्सेशन है, टॉक्सिक बिहेवियर है, अनहेल्दी सिडक्शन टेक्निक्स है। मतलब आप खुद ही सोचो कि अपना बर्लिन जिसके घर चोरी करने गया है उसी की बीबी के साथ लगा हुआ है, उसके टीम मेंबर्स आपस में लगे हुए हैं, ऊपर से उसके प्रोफेसर की बीबी उसको छोड़ के चली गई है, वो भी कहीं ना कहीं लगा हुआ है। चोरी वाला पार्ट तो बहुत ही कम है। हम देखते हैं कि बर्लिन और उसकी टीम पेरिस के एक बैंक की बहुत बड़ी तिजोरी में घुसपैठ करके 44 मिलियन यूरो के कीमती गहनों को चुराने का प्लान करते हैं। हालांकि की चोरी की प्लानिंग, उसको अंजाम देना और पुलिस से बचना वहाँ काफी मजा आता है, पर वो सब बहुत कम समय के लिए है। पूरी सीरीज ज्यादा फोकस करती है लव पे और लव में भी ज्यादा कुछ खास था नहीं, जिसकी वजह से पूरी सीरीज काफी बोरिंग हो जाती है। इसके 8 एपिसोड 40 मिनट से 1 घंटे तक लंबे हैं, जो इसे और लंबा और बोरिंग बनाते हैं। हालांकि बर्लिन सीरीज में हमें मनी हिस्ट के 2 और पॉपुलर कैरेक्टर्स एलिसिया सियरा और राकेल मुरिलो के कैमियोज भी देखने को मिलते हैं, पर उनके कैमियोज ओवरऑल सीरीज पे ज्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं पाए क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था। बर्लिन का सीजन 1 ज्यादा इम्पैक्टफुल था नहीं, हालांकि इसका सीजन 2 भी आएगा जिसमें हमें शायद कुछ अच्छा देखने मिले। ओवरऑल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बर्लिन देखनी है तो आप देख सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस और आते रहेंगे।